गल जाए। थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देनी है। मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सुंदर स्वीट पे। तो आज हम बनाएंगे मसूर की दाल कुछ डिफरेंट तरीके से। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम आज मसूर की दाल। तो आप देख रहे हैं ये है काली मसूर और अब इसे कुकर में डाला जाएगा। ये चार लोगों के लिए बनाया जा रहा है, लगभग 100 ग्राम के आसपास है ये मसूर की दाल। अब ये थोड़ा सा पानी और बढ़ा दिया गया है। अब ये पानी लगभग 550 ml हो गया है। पानी डालने के बाद स्वादानुसार नमक रहेगा और अब इससे कुकर को बंद कर देना है। तो दोस्तों चार सीटी हो गया है और अब कुकर दाल को इंडक्शन से उतारा जा रहा है। दोस्तों तड़का दिया जाएगा और तड़के के लिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे धनिया पत्ती है, लहसुन है, अदरक का कटा हुआ पीस है, टमाटर है और प्याज है। अब ये प्याज काटा जा रहा है। इस तरीके से बारीक बारीक में प्याज भी काट लेना है। इसमें तेल डाल दिया गया है। तेल हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसके बाद जीरा मिला, लहसुन, ये कटा हुआ अदरक, हल्का सा ब्राउन हो देना है। ब्राउन होने के बाद फिर ये प्याज डाल देना है। ये तड़का बनाया जा रहा है दोस्तों दाल के लिए। ये थोड़ा सा टमाटर भी काट लिया जा रहा है, टमाटर कट चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला देना है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये गरम मसाला और ये टमाटर जो कटे हुए पीस में से इसको डाल देना है कढ़ाई में। थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल देना है, काला नमक, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देनी है। ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती काट लेनी है। बटर डाल लेना है। दोस्तों अब ये तड़का तैयार हो चुका है। अब ये जो हमने दाल पहले से पका के रखी थी मसूर वाली काली दाल, अब उसमें इस तड़के को डाल दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने थोड़ा में काट लेना है, और इस तरीके से पनीर को डाल देना है। ये पनीर के टुकड़े डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा ढक देना है। इस तरीके से ढक देना है, हटा लेना है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। थोड़ी सी ये धनिया की पत्ती डाल लेनी है। तो दोस्तों ये दाल आप देख रहे हैं खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो मसूर की दाल का, मसूर की दाल किस तरीके से बनाएं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।